सो फ्रेंड देख सकते हैं सैमसंग A31 है और इस फोन में एक रेयर प्रॉब्लम है, काफ़ी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा सैमसंग में। कई सारे फ़ोन में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आप लोग इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाओगे, कैसे इसे फिक्स करना है। तो चलिए इस वीडियो में दिखाता हूँ क्या है इसका प्रॉब्लम। इसका टच वर्क नहीं कर रहा है और जैसे इसमें चार्जिंग अटैच हो रही है टच वर्क करने लग रहा है। आपको लगेगा हमारा डिस्प्ले तो ठीक है, जैसे चार्ज में लगाते हैं आपका टच वर्क करने लगता है, चार्जिंग भी होने लगती है, कभी कभी इसमें चार्जिंग भी एरर आने लगता है। तो किस वजह से ये एरर हो रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में सलूशन बताता हूँ और क्या करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम के वजह से आप नहीं समझ पाओगे कि क्या इसमें चेंज करें। कभी आप सोचोगे हमारा फ्लैक्स केबल ख़राब हो गया है, कि जो चार्जिंग और इसका जो है इसका फ्लैक्स केबल ऊपर जो ऑक्टा कोड होता है वो ख़राब हो गया है, लेकिन नहीं, इसका डिस्प्ले ख़राब हो गया है। तो ये भी नहीं, तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से इसे फिक्स करना है। तो बने रहें वीडियो पूरा एंड तक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ देख सकते हो जैसे हमने चार्जर हटा दिया यहाँ पे टच नहीं वर्क कर रहा है। तो ये जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट OLED डिस्प्ले लगा हुआ है, काफ़ी कॉस्टली भी होता है और ओरिजिनल है। और यहाँ पे देखिए जैसे चार्जर अटैच किया वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ये फोन प्रॉपर ओके है। अभी देखिए यहाँ पे सब चीज़ वर्क कर रहा है जब चार्जिंग में अटैच है, जैसे चार्जिंग खोल दे रहे हैं नहीं काम कर रहा है। तो चलिए हम इसे फिक्स करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल नंबर सैमसंग A31 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किस प्रकार इसे जो है ठीक करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये डिस्प्ले प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका चार्जिंग एरर भी आएगा, आपका चार्जिंग भी नहीं अच्छे से होगा, तो आपके चार्जिंग पिन को भी लगेगा कि आपका चार्जिंग पिन मुझे चेंज करा लेना चाहिए, तब पर भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका चार्जिंग में जो प्रॉब्लम आता है तो आपका चार्जिंग एरर दिखाएगा, आप चार्जिंग स्लो सॉकेट भी चेंज कर लेंगे, बोर्ड भी चेंज कर देंगे तो भी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। आपका डिस्प्ले न्यू रिप्लेसमेंट करेंगे तो ही जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपका डिस्प्ले टच वर्क करने लगेगा। लेकिन मैंने इसमें डिस्प्ले नहीं चेंज किया, मैं इसी डिस्प्ले को किस तरह से ठीक करता हूँ, छोटा सा एक मेजर प्रॉब्लम होता है उसे आप ठीक कर लोगे तो आपका ये डिस्प्ले वर्क करने लगेगा। क्योंकि इस तरह के इशूज़ आपको कोई नहीं बताएगा और यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो भी आपको नहीं मिलेगी। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ क्या करना है, सोल्यूशन पूरा एंड तक देखोगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिर नहीं वर्क कर रहा है, जैसे चार्ज लगाते हैं, यानी हमें चार्ज लगा के घूमना पड़ेगा क्या? तो हमें कुछ नहीं, अब यहाँ पे मैं आपको सलूशन देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रेयर केस आते हैं। सर्विस सेंटर में ले जाएंगे तो आपको वहाँ पे सो फ्रेंड आपको क्या करना है, किस तरह से इसे फिक्स करना है, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस डिस्प्ले को ही आपको ठीक करना है। सबसे पहले इस डिस्प्ले को आपको एक जो है कार्ड लेके हल्के हल्के से साइड साइड से उठाना है ताकि गैप हो पाए, और ज़्यादा आप अंदर कार्ड को घुसाएंगे नहीं, ऊपर से ही डिस्प्ले में पहले ब्लोअर से हिट दे देंगे और कार्ड के हेल्प से हल्का हल्का डिस्प्ले को उठा देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये मेजर प्रॉब्लम है, यदि इस करने के बाद भी आपका डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए आपका डिस्प्ले निकाल के फिर से फिटिंग भी कर लिए हैं तो भी आपका अच्छे से नहीं वर्क कर रहा है। तो आप एक न्यू डिस्प्ले लगा के देख लीजिए, आपका जो है चार्जिंग पिन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो चार्जिंग यानी कि डिस्प्ले से ही चार्जिंग जुड़ी हुई है, एक ही ऑक्टा कोड से ही पूरा मदरबोर्ड जुड़ा हुआ है, डिस्प्ले और चार्जिंग दोनों ही एक ही मदरबोर्ड से ही हो रहा है, एक ही केबल के थ्रू। तो आपको इस प्रॉब्लम को इसी तरह से सॉल्व आउट करना होगा। और यहाँ पर मैंने गैप कर दिए हैं और अब देखते हैं इसके जो है टच वर्क करता है। मैं इसके ऊपर और भी एक दो वीडियो लाऊँगा और शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाल दिए हैं अपने इसी चैनल पर। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे न्यू डिस्प्ले मार्केट से बाई करके OG डिस्प्ले आपको जो है OLED डिस्प्ले लोगे तो आपको 3000 के रेंज में मिल जाएंगे, और ऐसे जो है आप नॉर्मल डिस्प्ले लेते हो तो 800-900 रुपए के लगभग मिल जाएंगे कॉपी डिस्प्ले, तो जिसमें आपका फिंगरप्रिंट नहीं वर्क करेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वर्क करने वाला आप लगाओगे तो आपको 3500 अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, वहाँ पे आप ले सकते हो। तो अभी भी हमारा नहीं वर्क कर रहा है, लेकिन मैंने इसे ठीक कर दिया, वो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको वॉइस ओवर करके दे रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक बार दोबारा काम किया, फाइनली मैंने इस प्रॉब्लम को फिक्स किया और हो गया है। अभी ये फ़ोन चल रहा है कस्टमर के पास, लेकिन चार्जिंग एरर दे रहा था, चार्जिंग एरर भी मैंने सॉल्व किया। क्योंकि पिन को आप बैक साइड से साफ़ सुथरा कर भी लोगे तो भी आपको वर्क नहीं करेगा, यानी ये कॉमन प्रॉब्लम होने की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आजकल एक एक से बीमारियां हैं जो लोगों को हो जाती है जिसकी दवा ही नहीं बनी है, इसी तरह के आजकल के फ़ोन के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं जिसे पता करना ही संभव नहीं है। सैमसंग A31 डिस्प्ले प्रॉब्लम फिक्स।